हेलो, हाय आशफी जी, कैसे हैं आप? कितना जी अच्छा है। दिन हो गया सर्जरी? 50+ हो गया कुछ। हाँ 2 डेज नी बर्निंग करके दिखाइए एक बार। ओके, गुड गुड, यू कैन सिट नाउ। अभी कोई दिक्कत इन एनी एक्टिविटीज? नहीं, दिक्कत नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, स्क्वाट करने में, डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने में? जी नहीं, ऐसा तो अच्छा, स्वेलिंग पे नथिंग, ऑल गुड। हाँ, स्वेलिंग हो नहीं है कुछ भी एक्सरसाइजेस क्या क्या चल रही है एक बार करके दिखाएंगे। जी। अभी तो क्या व्हाट वॉज द डेट ऑफ योर सर्जरी? 1 दिसंबर 1 दिसंबर। ओके, इट्स अप्रोक्स 54 डेज ना? हाँ, 54 डेज हो। ठीक है, तो अगले हफ्ते आपको जिम भेजने का प्लान करते हैं। जिम में जाके क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से, वो आपको पूरा जी प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप देख लो आजू बाजू जो भी जिम, अच्छा जिम हो, अवेलेबल हो, जिधर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, सारी मशीन्स। तो नेक्स्ट जी साइकिलिंग यू कैन डू, अगर घर पे साइकिलिंग है, नॉर्मल साइकिलिंग और स्टैटिक साइकिलिंग है, तो आप 10 मिनट के लिए कर सकते हो वार्म अप के लिए, देन सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो। बाकी नेक्स्ट वीक से आपको फिर जिम में मशीन के साथ भी थोड़ा स्टार्ट करवाएंगे। स्क्वाट में कितना वेट उठा रहे हो? 3 kg 3 kg। अच्छा, वो बोतल ये अभी स्क्वाट दिखा सकते हैं कैसा कर रहे हैं एक बार? हाँ, जी, बता सकते। ठीक है। विदाउट बॉटल बताओ। अगर वेट है तो वेट के साथ करके दिखाइए, अदरवाइज विदाउट वेट। पैर के पंजों को ठीक कीजिए हाशमी जी। हील एंड टो इन लाइन होना चाहिए, इन सिंगल लाइन, स्ट्रेट। वी नहीं बनाना है आपको हील या टो से, ठीक है? बैक स्ट्रेट करते हुए नी ओवर टो, थोड़ा दीवार के और नजदीक जाइए। नी पुश नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छे से। हाँ, वॉल के और नजदीक जाइए, नी पुश करो, कोशिश करो नी को टो ओवर पुश करने की, यानी कि दीवार को टच करने की घुटने से। इतना ही हो रहा है। जी ओके ओके ओके, आप डेफ्थ में कम जाओ हाशमी जी, डेफ्थ में जाना इतना जरूरी नहीं है। पहले पंजों को ठीक कीजिए, वापस से आपके ग्रेट टो बाहर रोटेट हो रहे हैं, उसको ठीक करो, कोशिश करो। आपको आई थिंक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, नी को पुश करना है, वॉल से टच करने की कोशिश करना है। तो डेप्थ उतना ही रखो जितना कंफर्टेबल है, बैक का यूज मत करो, बस नी पुश करो, ठीक है? आ जाइए आसमी जी, आपको नी स्ट्रेट रखना है, जो अफेक्टेड लगे उसकी नी को पीछे पुश करना है, नी प्रेस करते हुए आपको हील रेस करना है। आर यू कंफर्टेबल? जी कंफर्टेबल। कीजिए 10 बार लगातार कीजिए, नी को बाहर की तरफ प्रेस करते हुए हील रेज, हील डाउन करना है आपको, कंटिन्यू। होल्ड नहीं करना है आपको, हील रेज एंड हील डाउन। नी को पुश नहीं कर रहे हो बाहर की तरफ हाथ। ठीक है, नी को बाहर की तरफ पुश करते हुए आपको ये 15 के 2 सेट करने हैं, जी तो ठीक है? दूसरी हेलो, कंफर्टेबल है जी ये? मैम। हाँ कंफर्टेबल। ठीक एक्सरसाइजेस सारी मार्क कर दिए हैं, वो सारी कीजिए, रिव्यू करो, और आप करो सारी एक्सरसाइजेस वंस अ डे, सारी जी जी एक्सरसाइजेस कीजिए और मेरे को वीडियो बना के भेजिए। एसीएल विनर फेसबुक पेज पे भी अपलोड कीजिए, और नेक्स्ट वीक जिम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके।
बाय, टेक केयर।